के फ्लाइंग पिजन क्लब के चेयरमैन चौधरी अवैस खुरम कहते हैं कि कबूतरबाजी दयारे गैर में महंगा शौक है। इस शौक को पूरा करने के लिए बरतानवी कवानीन का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद हर साल कबूतरबाजी का टूर्नामेंट मुनाकिद किया जाता है, जिसमें बरतानिया और यूरोप की टीमें पाकिस्तानी नस्ल के कबूतरों के साथ हिस्सा भी लेती हैं। इसी हवाले से मसीह जानते अपने नुमाइंदे असद अली से। जी असद अली बताएगा। ले जाए किस तरह कबूतर पैगाम बामे यार पर कुतरने के लिए कैंचियां लगी हैं दीवार पर। बरतानिया में बसने वाली एशियाई कम्युनिटी ने कबूतर परवरी के शौक को जिंदा रखा हुआ है। लंदन यूनाइटेड पिजन क्लब के चेयरमैन उस्ताद चौधरी अवैस खुरम ने सलाह में कबूतरबाजी के टूर्नामेंट की मशावरती बैठक का अहतमाम किया, जिसमें रवि सिंह, चौधरी अमजद और फैसल समेत दीगर शरीक हुए। मौसम गर्मा में बरतानिया और यूरोप की टीमों के दरमियान कबूतर की ऊंची उड़ान के टूर्नामेंट पर तबादला ख्याल किया गया। उस्ताद चौधरी अवैस खुरम का कहना था कि हमारी नौजवान नस्ल में कबूतर परवरी का शौक तेजी से बढ़ रहा है, जो कि खुशाइंद है। खुरम साहब ऑर्गेनाइजिंग कर दिया, बाकी पीटरबरो वाला कप आ असी तो सारियां नूं अंजाम ये हुंदे आ साडे लई कि जिन्ने भी असी हर भरा नूं असी इनवाइट करदे आ सारियां दा मैं मशकूर और ममनून आ। मोहब्बत नाल अच्छा शौक असी ताजा इदा एक कमेटी बनाई है जिना एलान हाजी और गल सन ते ऑर्गेनाइजर बनाया ते असी इंशाल्लाह बस कोशिश करा के इना दे टूर्नामेंट असी पूरा पूरा साथ देंगे। अलावा इकबाल मोमेडियल है और नसीब अपना अपना पीटर ब्रो सारा तुम हज तन है जिस तरह सारे दसवन खातर जितने भी टूरनामेंट राज युगे ने मास्टर साहब वाला पीटर ब्रो वाला और खुरम साहब वाला साडा जनाब जी सुनना जो ग्रुप है उसका जनाब खुली तावन इन्होंने त्रे कमेटियां जिन्होंने इतना बड़ा इकट्ठ जनाब किया इन्होंने साड़ी तरफों सारे की तरफों बल्कि पीडब्ल्यू की टीम की तरफों ही बहुत बहुत मुबारकबाद जनाब इन्हों कबूतरबाजी के मुकाबलों में पाकिस्तानी नस्ल के कबूतरों को शामिल किया जाता है। सियालकोटी कबूतर पिजन टूर्नामेंट में तवज्जो का मरकज बना रहता है। ऊंची उड़ान भरने वाले कबूतर मालिकान की हौसला अफजाई के लिए इनामात भी दिए जाते हैं। शौक का कोई मोल नहीं और कबूतरबाजी का तो वैसे भी बड़ा ही एक निराला और बड़ा ही महंगा तरीन जो शौक है। दयारे गैर में खुरम जैसे जो लोग हैं, जो ताज जैसे जो लोग हैं, उन्होंने इसको जिंदा रखा हुआ है। तो इस हवाले से बताता चलो कि ये